सबसे पहले देखना है अपने को, पहले देखिए आप कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम है। इज दिस ट्रू? यस। इफ इट इज ट्रू देन इट्स पार्सल फ्रैक्शंस विल बी लाइक दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस। अब इसमें एक्स माइनस टू आप देखो स्क्वायर है, तो बीइंग एक्स माइनस टू स्क्वायर इधर इट विल हैव टू टर्म्स, फर्स्ट विल हैव बी अपॉन एक्स माइनस टू एंड सेकंड विल हैव मींस अनदर विल हैव एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे आप इसको, आप बिल्कुल ध्यान से समझो इसको कि अगर आपके पास x माइनस वन ओवर क्यूब होता, अगर यहाँ पे सपोज x माइनस वन क्यूब होता तो वन मोर टर्म शुड बी इंट्रोड्यूस्ड और उसको लिखते d अपॉन x माइनस टू होल क्यूब। ये पार्शल फ्रैक्शन का स्टाइल है, इसी स्टाइल में अपने को पार्शल फ्रैक्शन बनाने हैं। तो अभी हमने लिख दिया इसको इस तरीके से। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम आएगा x माइनस वन एक्स माइनस टू स्क्वायर, डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे x माइनस वन कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो a इंटू एक्स माइनस टू स्क्वायर, एक्स माइनस टू से डिवाइड करो तो आ जाएगा आपके पास x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, बी से मल्टीप्लाई करो x माइनस टू होल स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस वन, तो c से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू स्क्वायर, ये कैंसिल कर दो x माइनस वन एक्स माइनस टू स्क्वायर। अब अपने पास जो आउटकम आया वो क्या है? एक्स स्क्वायर ए इंटू एक्स माइनस टू स्क्वायर बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस सी इंटू, अब x की जगह सबसे पहले क्या रखेंगे? जीरो। जीरो किसका? डिनोमिनेटर का जीरो। जीरो मीन्स जीरो वैल्यू नहीं, इसका डिनोमिनेटर का जीरो। तो इसके डिनोमिनेटर का जीरो देखो आप, क्या है डिनोमिनेटर का जीरो? वन और टू। तो सबसे पहले रख देंगे x इज इक्वल टू वन, तो एक कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा अपने पास। फिर x इज इक्वल टू टू रख देंगे तो दूसरे कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा, दो वैल्यू रख देंगे हम। तो x इज इक्वल टू सबसे पहले रख देते हैं वन, देखो वन रखने से क्या आता है, x इज इक्वल टू वन इम्प्लाइज वन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस टू स्क्वायर, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, b इंटू जीरो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, c इंटू जीरो हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज a का वैल्यू कितना आया? तो वन माइनस टू स्क्वायर इज वन, तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास, a की वैल्यू आ गई वन। अब x की जगह दूसरी वैल्यू डाल दो, अभी हमने x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया था? वन सब्स्टिट्यूट किया था, अब x की जगह टू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब आप x की जगह टू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर, राइट साइड में a इंटू टू माइनस टू स्क्वायर जीरो, b इंटू जीरो, c इंटू टू माइनस वन, तो c इंटू टू माइनस वन सी, ये वैल्यू आ गया c का, c का वैल्यू आ गया फोर, तो a इज इक्वल टू वन सी इज इक्वल टू फोर। अब आपको एक वैल्यू और निकालना है, एक अननोन और है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए आप x की जगह कोई भी मोस्ट कन्वीनियंट वैल्यू डाल दो, जीरो डाल दो वन डाल दो, तो जीरो भी डाल देते तो अच्छा है। हाँ बोलो सर, b की वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब आ सकती है ना? हाँ सर, हाँ सर आ सकती है ना, पॉसिबल पॉसिबल हाँ इट मे बी पॉसिबल यस। तो जीरो माइनस टू स्क्वायर प्लस बी इंटू जीरो माइनस वन जीरो माइनस टू मीन्स माइनस वन माइनस जीरो माइनस वन माइनस टू सी इंटू जीरो माइनस वन, तो ये आ गया आपके पास जीरो इज इक्वल टू फोर ए प्लस टू बी, फोर ए प्लस टू बी माइनस सी। अब ए और सी का वैल्यू डाल दो,
ए और सी की वैल्यू डाल दी तो ये जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू बी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 0। इससे बी का वैल्यू 0 आ गया। ये तीनों वैल्यूज आपने रिकॉर्ड में रख ली ए बी सी की, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको आप दे दें इक्वेशन वन कर देते हैं, इक्वेशन वन इसको आप वन कर देंगे तो ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वन में, तो पुटिंग इन वन तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन, तो वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी का वैल्यू आप जीरो बोल रहे हो, जीरो अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी 4 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये आ गया। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए टू वेरीफाई, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इधर का एलसीएम ले लें आप, इधर का एलसीएम कितना आएगा आपके पास x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर, अब इससे आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, ये जीरो वाले को तो भूल जाए, प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 आएगा, 4 इंटू x माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 माइनस 4x प्लस 4x माइनस 4, 4x से 4x कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया सही आपका, जो चाहिए था आपको वही मिल गया, तो ये वेरीफाई भी हो गया। तो अगर इन केस इफ यू विश टू वेरीफाई तो यू में वेरीफाई अगर आप चाहते हैं तो, वरना ये ठीक है, इट्स ऑल राइट सर। अब आपके पास है इंटीग्रेटिंग बूल, आप बोलो सर इसका आंसर आ गया इंटीग्रेटिंग। हाँ ठीक है, अब देख लेते हैं अपन, इससे क्रॉस चेक कर लेना आप, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू स्क्वायर डी एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन dx इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी i प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ दिस x माइनस 2 टू द पावर माइनस 2 dx। अब 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 विल बी व्हाट, log ऑफ x माइनस 1 बेस e प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस 4 इंटू x माइनस 2 टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 बेस ई, ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेट करोगे 4 माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी, इज इट करेक्ट।